जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दूंगा। अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, उसमें एंड्रॉयड 11 या फिर एंड्रॉयड 12 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है टॉकबैक ऑन होने की। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कस्टमर मेरे पास फ़ोन लेके आया है, इसको किसी ने डिस्प्ले ख़राब बताई कि 1500 रुपये खर्चा है, डिस्प्ले ख़राब है, डिस्प्ले डलते ही ठीक हो जाएगा। एक ने इसको बताया है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के 300 रुपये लगेंगे, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, ठीक हो जाएगा। अब इसको मैं फ्री में ठीक करना आपको बताऊँगा, अगर ठीक हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए भाई हो तो, और पुराने हो तो भाई लाइक जरूर कर देना याद करके। इस कंडीशन में अगर आप कभी फंस जाओ ना, तो कुछ भी टच वच कुछ भी काम नहीं करेगा आपका, है ना। अब मैंने काफ़ी वीडियो देखी यूट्यूब पे भी, बहुत सारे बंदे अपनी वीडियो बनाने के लिए देखो इस तरीके से आपको बताते हैं कि ये आप एल बनाएंगे तो ये लिख के आ जाएगा टॉकबैक मेनू, इस पर फिर रीड नेक्स्ट करेंगे तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं हो रहा ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, किसी की बातों में मत आना, आपको सिर्फ ये प्लस और माइनस वाले जो बटन है ना, इन दोनों को एक साथ दबाना है, पावर बटन नहीं दबाना है, ठीक है। ध्यान से सुनना वीडियो को, ध्यान से देखना, पावर बटन नहीं दबाना है, सिर्फ ये दो बटन दबाने हैं आपको एक साथ, क्योंकि इन दोनों से शॉर्टकट बनता है टॉकबैक ऑफ करने का, टॉकबैक ऑन करने का, ठीक है। पावर का बटन दबाता हूँ, अब देखते हैं, अब देखिए इसके पावर, ये प्लस और माइनस बटन एक साथ दबाता हूँ, देखो ये दोनों मैंने एक साथ दबाए और ये ठीक हो चुका है है ना, बस इतना सा ही काम है इसका और कुछ भी नहीं है। बाकी इस कस्टमर का मुझे पासवर्ड मुझे पता नहीं है, ठीक है, बस इतना सही काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। आपकी डिस्प्ले भी ठीक होती है इस कंडीशन में, सब कुछ ठीक होता है, ये बस मैनिपुलेट किया जाता है पब्लिक में, कि पब्लिक को पता नहीं होता इसके बारे में, तो वो कुछ ना कुछ पैसे दे देगी रिपेयर वाले को, कुछ ना कुछ पैसे दे ही देती है, घबरा के यार पता नहीं फ़ोन के अंदर हो क्या गया। तो ये छोटी सी जानकारी मुझे आपको देनी थी, क्योंकि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि भाई इस बंदे से पैसे मांगे जा रहे हैं बेकार के। अच्छा, अब आपको बताता हूँ, इसका लॉक खोलने के बाद ना आप सेटिंग में जाना, इसका पासवर्ड मुझे पता नहीं है, अगर मुझे पता होता ना इसका पासवर्ड तो मैं आपको इस शॉर्टकट को बंद करना भी बता देता, क्योंकि देखिए घर में बच्चे होते हैं अक्सर, वो दोनों बटन एक साथ दबा देते हैं खोलने के चक्कर में। देखो मैं आपको दोबारा लगा के भी दिखाऊं, देखो इसको दोनों को एक साथ दबाऊंगा, देखो टॉकबैक लग जाएगा, मैंने दबा दिया, अब ये दोबारा लग गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ बस बोलेगा ये देखो फ़ोन है ना, ओ ठीक है। आपको ये दोबारा अपनी कंडीशन में लाना है, तो आप इसको दोनों बटन को एक साथ दबा देना, कभी भी आप ऐसे फंस सकते हो कहीं, तो इन चीज़ों को आप सीखिए, याद रखना इन चीज़ों को, और अपने बिट्टू भाई को भी याद रखना, ठीक है, भूलना मत। इन दोनों को एक साथ दबाओगे टॉकबैक ऑफ हो जाएगा, एक साथ दबाओगे टॉकबैक ऑन भी हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी सी ट्रिक आपको कैसी लगी, और आप इसको इस शॉर्टकट को बंद भी कर सकते हैं, सेटिंग में जाके, एक्सेसिबिलिटी में जाके, उसके बाद टॉकबैक मेनू में जाना है आपको, वहाँ पे टॉकबैक वॉल्यूम बटन शॉर्टकट लिखा होगा, शॉर्टकट वाले पे इसको टिक कर दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर ये यहाँ से ये बटन काम नहीं करेंगे, मतलब टॉकबैक ऑन नहीं होगा, बाकी वॉल्यूम के लिए काम करेंगे, वॉल्यूम प्लस डाउन जितना इनका काम है ना उतना काम ये करेंगे, बाकी ये टॉकबैक को अपने आप ऑन नहीं करेंगे, ये दोनों अगर एक साथ दब जाएंगे तो। ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी, मुझे लगा कि आपके भी पैसे बचाने चाहिए यार, कोई किसी से पैसे मांग रहा है इस चीज़ के तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही लोगों के पैसे बचाते रहेंगे। और ये वीडियो है ना, इस वीडियो को कहूँगा भाई शेयर करना, ताकि और लोगों को, जो भी बंदे एंड्रॉयड 11 या 12 यूज़ कर रहे हैं किसी भी मोबाइल फ़ोन में, ये ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो A16e, ठीक है, आप नेट पर डाल के भी देख लेना, क्योंकि हम रिपेयर करते हैं भाई सारा दिन, तो हमें पता रहता है मॉडल्स का। तो ये आपको मैं पर्टिकुलर एक सेट के बारे में नहीं बता रहा, ओप्पो के जितने मॉडल हैं जिनमें भी एंड्रॉयड 11, 12 या वीवो का फ़ोन है जिसमें एंड्रॉयड 11, 12 चल रहा है, सब में ऐसी वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो घबराना मत, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपको देता रहूँगा। फाइनली गाइज, पासवर्ड तो इसका आ गया है, अब मैं इसको हटाना बता देता हूँ आपको, टॉकबैक को आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद है ना, आपको कोई भी फ़ोन हो आपके पास, उसमें है ना एक्सेसिबिलिटी में जाना है, वो मिलता है या तो मोर सेटिंग लिखा होगा, या फिर एडिशनल सेटिंग, या फिर यहाँ बाहर पे ही आपको कहीं मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एडिशनल सेटिंग के अंदर हम गए, इसमें एक्सेसिबिलिटी लिखा है ना, इस पर टिक कीजिए। अब ये टॉकबैक यहाँ पर लिखा है, टॉकबैक पर टिक करें। अब ये शॉर्टकट की मैं बात कर रहा था, ये शॉर्टकट लिखा है ना, इसको आपको ऑफ़ कर देना है। अगर इसे ऑफ़ कर देंगे ना, उसके बाद फिर ये टॉकबैक यहाँ से ऑन नहीं होगा इन बटनों से। देखो सिर्फ वॉल्यूम बटन काम करेंगे आपके, बाकी टॉकबैक काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि ये शॉर्टकट आपने ऑफ़ कर दिया है ना। बस ये अपने फ़ोन में करके रख लेना भाई, इसे ऑफ़ कर लिया करो। अगर आपको इसके बारे में पता चल चुका है तो ऑन कर लेना इसको, इससे ये फ़ायदा होता है कि कोई हमारा फ़ोन अगर मांगता है तो उसको आप, कोई बच्चा वगैरह आपको लगता है कि कोई बच्चा हमारा फ़ोन छेड़ देगा, तो आप इसको टॉकबैक को ऑन करके रख सकते हो, उससे बच्चा फिर आपके फ़ोन में छेड़खानी नहीं कर पाएगा ज़्यादा,
और ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोगों के भी पैसे बचें और लोगों को पता चले इसके बारे में, इसकी सच्चाई क्या है टॉकबैक की। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।